आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी सुनील के साथ। मुकेश और अनीता देर रात एक शादी से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में आके लंबा जाम लगा हुआ था। मुकेश गाड़ी रोक के एक आदमी से पूछता है, भाई साहब ये आगे जाम क्यों लगा हुआ है? वो आदमी मुकेश से कहता है, सब थोड़ी देर पहले एक तूफान आया था जिसके कारण दो तीन बड़े पेड़ उखड़ कर रोड पर ही आ गिरे। सब हटाने का काम चल तो रहा है लेकिन काफी वक्त लग जाएगा उन्हें। मुकेश कहता है, कोई और रास्ता है जो आगे जाकर इसी हाईवे पर मिल जाए? हाँ साहब, ये सामने से जो कच्चा रास्ता जा रहा है वो आगे जाके हाईवे पर मिल रहा है, आप उधर से जा सकते हो। मुकेश इस कच्चे रास्ते पर कार घुमा लेता है। जैसे ही मुकेश कच्चे रास्ते पर घुमाता है गाड़ी, वहीं साइड में एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, डू नॉट एंटर। मुकेश और अनीता कच्चे रास्ते से जा रहे थे कि अचानक मुकेश को सामने एक लड़की दिखाई दी। मुकेश उसे बचाने के चक्कर में तेजी से कट मार के आगे निकल जाता है और तुरंत गाड़ी रोकता है। मुकेश जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है तो मुकेश को पीछे कोई लड़की दिखाई नहीं दी। आधी रात को कच्चे रास्ते पर मुकेश और अनीता अकेले थे। पहले तो वो अचानक गाड़ी के आगे लड़की का दिखना, गाड़ी रोककर पीछे देखना और उस लड़की का वहां ना होना, मुकेश ही क्या किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। मुकेश डरा हुआ तो था ही, ऊपर से रात का घना अंधेरा और चारों तरफ एक सुनसान नजारा अब मुकेश को और डरा रहा था। मुकेश जल्दी से गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगा। गाड़ी चलाते चलाते मुकेश की नजर गाड़ी के अंदर लगे शीशे पर गई तो मुकेश को वही लड़की पीछे वाली सीट पर बैठी दिखाई दी। मुकेश ने जोर से ब्रेक लगाया और पीछे पलट के देखा तो वहां कोई लड़की नहीं थी। और इसी के साथ मुकेश को एक आवाज सुनाई दी। मुकेश डर से कांपने लगा और अनीता की तरफ देखने लगा। अनीता मुकेश से जो कहती है उसे सुनकर मुकेश की भौहें तन जाती है। अनीता कहती है, क्या हुआ मुकेश, तुम बार बार यूं गाड़ी क्यों रोक रहे हो, क्या देख रहे हो पीछे, आखिर तुम्हें हो क्या गया है मुकेश? मुकेश कहता है, तुम्हें अभी अभी गाड़ी के आगे एक लड़की दिखाई नहीं दी? अनीता साफ साफ मना कर देती है। मुकेश को सामने थोड़ी ही दूर पर हाईवे दिखाई दे जाता है। मुकेश जल्दी से हाईवे की तरफ बढ़ता है और हाईवे छोड़ने के बाद तेज स्पीड में जाता हुआ सीधा अपने घर ही जाकर रुकता है। थकान के कारण मुकेश और अनीता दोनों जाते ही सो जाते हैं। सुबह मुकेश और अनीता दोनों टीवी देख रहे थे कि टीवी में किसी जोक को सुन के अनीता को हंसी आ गई। मुकेश तुरंत अनीता की तरफ देखता है क्योंकि यह अजीब सी हंसी मुकेश पहली बार नहीं सुन रहा था। मुकेश अनीता से कहता है, ये कैसे हंस रही हो तुम? अनीता एक बार फिर क्यों, क्या हुआ, भूल गए क्या तुम, ऐसे ही तो हंसती हूँ मैं। मुकेश अनीता को जोर से पकड़ कर कहता है, ये क्या हो गया अनीता तुम्हें, ये कैसी बचकानी बातें कर रही हो तुम? और ये कहकर गुस्से में लाल पीला होकर मुकेश अपने रूम में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। और अनीता दरवाजे की तरफ देख कर कहती है, मैं तो ठीक हूं लेकिन तू अब। शाम तक मुकेश अपने रूम से बाहर नहीं आता।
ये देख अनीता मुकेश को समझाने लगती है और आखिर मुकेश दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है। रात हो गई, दोनों खाना खा के सो गए। रात को सोते सोते मुकेश की नींद एक अजीब सी आवाज से टूट गई। मुकेश ने आंख खोल के देखा तो अनीता वहां बेड पर नहीं थी। मुकेश उठ के आवाज के पीछे पीछे दूसरे रूम तक जाता है। दरवाजा खोल के देखता है तो मुकेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अनीता सामने बैठी एक हाथ से अपने बाल बना रही थी, दूसरे हाथ से एक पेज पर कुछ लिखे जा रही थी। मुकेश अनीता से थोड़े गुस्से में कहता है, अनीता ये कर क्या रही हो तुम और ये क्या लिख रही हो तुम? अनीता की तरफ से सिर्फ एक जवाब आता है, तेरी मौत। इतना कहते ही अनीता बिजली से भी तेज रफ्तार में मुकेश के पास आके मुकेश की गर्दन उड़ देती है और मुकेश वहीं खत्म हो जाता है। और इसी के साथ अनीता भी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह अनीता को होश आता है और पास ही अपने पति की लाश देखकर चिल्ला उठती है। मुकेश की लाश के पास अनीता को एक लेटर दिखाई देता है। अनीता वो लेटर उठा के देखती है जिस पर लिखा था, मेरा नाम मंजू है, इस मुकेश ने मुझसे प्यार का नाटक किया, शादी करने का झांसा देकर मेरे साथ सब कुछ किया, बाद में बिना बताए मुझे धोखा देकर हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चला गया। मेरे प्यार को ठुकराने की कीमत तो इसे चुकानी ही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे।